उस विभाग से जुड़ी हुई मंत्री है ना, बहुत सारे बात के लेकर के उनका इस्तीफा हो सकता है, मांगा गया होगा, क्योंकि विभाग में बहुत सारी गलतियां पकड़ी गई है। इसलिए मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाने जा रहा हूँ, वो तो सीबीआई अपना देखेगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो विभाग से संबंधित बात रही है। सुरेश शर्मा का विभाग तो नगर विकास है, उससे तो कोई इसका संबंध कुछ है नहीं जो कि कोई कहे। इसलिए मैं अपनी अपनी बात को रखा हूँ, बेबाक रखा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं दूसरी सीबीआई से सुन रही हूँ तो सजा क्या, ऐसी सजा के लिए तो फांसी भी दे देनी चाहिए। मैं इस विभिन्न काम की रचना जितनी हो देखिए, मंजू वर्मा चाहे कल्याण विभाग से, तो हमारा विभाग तो अलग है, उससे तो मेरा कोई मतलब है नहीं। और इस्तीफा का मांग जो हो रहा है वह हम समझते हैं कि बेबुनियाद, कहीं भी किसी तरह से हमारी संलिप्तता वहाँ के इन कांडों से नहीं हो सकता है, न है। इसलिए तेजस्वी यादव अपने गिरिबान में झांके कि उनके ऊपर कई एक मुकदमा चार्जशीटेड हो गया है, समन जारी है, और वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर इस्तीफा के लिए जो है मांग कर रहे हैं अनर्गत। दूसरी चीज है कि मैं एक ही चीज पे कह सकता हूँ कि मैं वहां का विधायक और विधायक के नाते टटोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको फंसाए, ये फंसाने की राजनीति उनके द्वारा हो रही है। मैं कह रहा हूं कि उनके क्षेत्र में जहां से वो विधायक है वहां चार मर्डर हुआ है। अगर यही पैमाना है कि मैंने रिजाइन देने का, इस्तीफा देने का, तो चार मर्डर उनके क्षेत्र में हुआ है, समझे ना, तो क्यों नहीं रिजाइन उसके अति पर देते हैं, या जो